सो हियर वी हैव ए बी सी फ्रॉम द मैक्स नोड. हम ए को पहले एक्सपांड करेंगे तो हमको तीन नोड्स मिलेंगे एज वी सी बाई ग्रीन, ए वन, ए टू, ए थ्री. ना यहाँ पर मीन सिलेक्ट करेगा तो मीन जो है सबसे छोटा सिलेक्ट करेगा, दैट इज़ फोर विल बी सिलेक्टेड. तो फोर आ गया. नेक्स्ट वी एक्सपांड द बी नोड फ्रॉम मैक्स. तो बी को एक्सपांड करेंगे तो मीन से हमको तीन वैल्यू मिलती हैं, बी वन, बी टू, बी थ्री. बी वन इज़ टू, बी टू इज़ फोर एंड बी थ्री इज़ फाइव. सो टू इज़ स्मॉल तो टू सिलेक्ट किया जाएगा, टू इज सिलेक्टेड. देन वी एक्सपांड द सी. सी को एक्सपांड करेंगे तो मीन से वी गेट थ्री नोड्स, सी वन, सी टू, सी थ्री. सो द स्मॉलर इज थ्री विच ऑफ सी वन, तो सी वन सिलेक्ट किया जाएगा. नाउ मैक्स जो है चारों में से जो है सबसे तीनों में जो बड़ा रहेगा, दैट इज नंबर फोर इज सिलेक्टेड. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस मिनी मैक्स एल्गोरिथम. नाउ नेक्स्ट वी स्टडी अल्फा बीटा प्रिंटिंग. इसमें हम ए को एक्सपांड करेंगे तो वी गेट ए वन, ए टू, ए थ्री. तो इन दिस केस वी गेट द मीन इज फोर, तो फोर सिलेक्ट किया जाएगा. ओके, जैसे पिछले केस में था. नाउ व्हेन वी सी इन दिस केस कि हम बी को एक्सपांड करते हैं तो बी को एक्सपांड करेंगे तो वी वन, वी टू, वी थ्री मिलता है. तो पहले हमको टू मिल जाता है एंड बिकॉज टू इज स्मॉलर देन फोर तो आगे सिलेक्ट करेंगे कुछ मतलब नहीं, वो आगे के नोट्स को एक्सपांड नहीं किया जाएगा. फोर एंड फाइव जो बी टू बी थ्री इज नॉट एक्सपांडेड. देन वी एक्सपांड सी. तो व्हेन सी इज एक्सपांडेड वी गेट सी वन, सी टू, सी थ्री. तो बिकॉज सी वन जो मिल रहा है हमको ए वन से स्मॉल मिल रहा है तो ये आगे एक्सपांड नहीं होगा. तो ये हम देखते हैं कि चार नोट्स को एक्सपांड नहीं करेंगे एंड वी गेट द सोल्यूशन जैसे पिछले केस में सोल्यूशन था, सोल्यूशन यहाँ मिलेगा. एंड इन अल्फाबेटा प्रिंटिंग वी गेट सोल्यूशन इन अ बेटर वे.